यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 10th के छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। पर्सनली सेवन पॉइंट टू का पर्सन नंबर दूसरे का चौथा आपके सामने है। ये पर्सन इसका इस प्रकार होगा, देख पा साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, ये है आपके सामने। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये दो सर्व समीकरणों यानी इस दो नियमों का उपयोग करेंगे अपन, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, जो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, साइन को साइन से किया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है एक, इसका मान होता है एक। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा अपने पास एक, आ जाएगा अपने पास ये बराबर का चिन्ह बराबर गया, ये आपका आ गया आंसर। साइन इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मान होता है साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा, कॉस चेंज हो गया साइन में, साइन चेंज हो गया कॉस में, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है एक, यहाँ रख दिया एक, ये आपका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर आपके पास है तीसरे का पहला, तीसरे का पहला देखो आप इसका हल। साइन 70 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री, ठीक है ना। साइन 70 और साइन 20, तो देखो 70 प्लस 20 90 डिग्री, ये दोनों कोण पूर्व कोण है, तो देखो 70 को लिख रहा हूं 90 माइनस 20 और 20 को लिख रहा हूं 90 माइनस 70 माइनस कॉस 20 कॉस 70, दोनों को एक साथ चेंज नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन 90 है थीटा की जगह 20 है तो कॉस 20 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा थीटा की जगह है 70 कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री, सेम संख्या से सेम संख्या कट गई बराबर आ गया जीरो, ये आपका आंसर आ गया। सेम संख्या से सेम संख्या कट गई बराबर आ गया जीरो, साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70 दोनों पूर्व कोण है, तो देखो हल करेंगे साइन 70 साइन 20 माइनस कॉस 20 कॉस 70, 70 प्लस 20 90 70 प्लस 20 90, साइन 70 को लिखा 90 माइनस 20 और 20 को लिखा 90 माइनस 70, कोस 20 माइनस कोस 70, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह 20 है कोस 20, साइन 90 माइनस 70 थीटा की जगह 70 माइनस सेम संख्या है कोस 20 कोस 70 माइनस कोस 20 कोस सेम संख्या कट गई, उत्तर आ गया जीरो। सात पॉइंट दो
पर्सनली 7.2। सवाल नंबर तीसरे का दूसरा देखो आप, 2 cos 67 sin 23 -10 40 what 50 -cos 60, यानी 2 cos 67 sin 23 के तो आप -10 40 और cot 50 -cot 60। इसका हल इस प्रकार करेंगे, देखो 2 cos 67 sin 23 -10 40 cot 50 -cot 60 67 + 23 दोनों पूर्व कोण है जिनका योग 90 है, और 40 + 50 दोनों पूर्व कोण है इनका योग कितना है 90। अंश या हर में से कोई एक चेंज करेंगे, दोनों चेंज नहीं करेंगे। 2 cos 67 को लिख रहा हूं मैं 90 - 23 sin 23 -10 40 को लिख रहा हूं मैं 90 - 50 अपॉन cot 50 -cot 60। cos 90 - θ चेंज हो जाएगा आपके sin θ में, ठीक। 90 - θ चेंज हो जाएगा आपके। cot θ में 2 cos 90 - θ चेंज हो गया sin 23। को चेंज हो गया साइन में, हर में साइन थी सही, -10 चेंज हो गया cot में cot 50 -cos 60 है, cos 60 आ गया अपने पास। cos 60 का मान यहाँ लिख दो आप, cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ आप लिख दो 1/2। cos 60 का मान आप 1/2 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 रख दो आप cos 60 का मान। cos 60 ये 2, यहाँ पर 2 है, 2 या 2 लिख दो आप, यहाँ पर 2 है, तो cos 60 का मान आगे अपने पास 1/2। साइन 23 कट गया, cot 50 कट गया, ये 2, और यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है वो प्लस है, यहाँ पर है वो प्लस है, ये प्लस है, तो ये प्लस हो गया, 2 × 1 + 1 -2 से 2 कट गया, ये माइनस का 1। अब देखो आप इधर, अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये आपके 2 और 1 2 आ जाएगा, 2 और 1 1 से 1 चला गया, 2 आ गया आंसर आपको। 2 cos 67 23 + 10 40 cot 50 -2 cos 60। सामने प्रश्न है ये, तो 2 cos 67 sin 23 + 10 40 cot 50 -2 cos 60। ये 67 को लिख रहा हूँ मैं 90 - 23, 40 को लिख रहा हूँ मैं 90 - 50। यहाँ 2 लिख दो, cos 90 - θ sin θ 10 - θ cot θ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पर माइनस टू कोस साठ, ये आपके है कोस साठ का मान एक बटा दो, दो से दो कट गया आपके पास, कोट से कोट चला गया, ये प्लस का एक माइनस का एक चला गया, दो इंटू एक दो, ये आपका आंसर आ गया आपके। अब देखो प्रश्न नंबर चार, चौथे का सेकंड, इसका मान ज्ञात करना अपने को। देखो आप इधर अच्छा प्रश्न है, देखो इस प्रकार का प्रश्न अच्छा है और अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं। साइन 35 कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 भी। देखो 35 प्लस 55 दोनों न्यून कोण है, न्यून कोण है और दोनों एक दूसरे के पूर्व के, यानी दोनों कोणों का योग 90 है, दोनों पूर्व कोण है, 90 डिग्री से कम भी है, दोनों का योग भी 90 है, इसका दोनों पूर्व कोण है, दोनों पूर्व कोण है, तो अपन ऐसे चेंज करेंगे। देखो अंश और हर में से कोई एक चेंज करना, अंश या हर, तो साइन 90 माइनस 55 अपॉन कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस कोस 90 माइनस 35, अंश चेंज किया, हर चेंज करना नहीं है, साइन 35 होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, तो ये हो गया अपने पास कोस 55 अपॉन कोस 55 का हो गया होल स्क्वायर प्लस साइन 35, साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, और 60 का मान होता है 1/2, 2 से 1/2, 2 से 2, कोस 60 का मान 1/2 रख दिया अपन ने, सेम संख्या सेम संख्या कट गई, ये एक का होल स्क्वायर प्लस एक का होल स्क्वायर माइनस एक, एक प्लस एक माइनस एक, ये एक से एक भी कट गया, बराबर आ गया एक, ये आपका आंसर आ गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो साइन 35 अपॉन कोस 55 का होल स्क्वायर प्लस कोस 55 अपॉन साइन 35 का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, साइन 35 कोस 55 होल स्क्वायर प्लस कोस 55 साइन 35 होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, 35 प्लस 55 दोनों का कोण का योग 90 डिग्री है, दोनों एक दूसरे के पूर्व कोण है, तो अंश का चेंज करो या हर का, दोनों चेंज नहीं करना, या तो चेंज करो आप अंश का या हर का, मैं अंश का चेंज कर रहा हूँ, 35 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन 35 को साइन 90 माइनस 55 अपॉन कोस 55 होल स्क्वायर, कोस 55 को लिख रहा हूँ कोस 90 माइनस 35, ये लिख रहा हूं मैं, देखो आप, ठीक है ना, फिर आप देखो कोस 90 55 को लिख रहा हूं कोस 90 माइनस 35 अपॉन साइन 35 होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन चेंज हो गया कोस 55 में, कोस चेंज हो गया साइन 35 में, कोस 55 अपॉन कोस 55 कट गया एक, साइन 35 साइन 35 कट गया एक आ गया, एक का स्क्वायर या भी एक का स्क्वायर माइनस कोस 60 का मान 1/2, दो से दो कट गया, एक का स्क्वायर माइनस एक, एक से एक कट गया, ये आपका आंसर आ गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है, नाइस, वेरी नाइस प्रश्न है।
प्रश्न नंबर पांच हल करो, हल करो और इसका मान ज्ञात करो। देखो आप कोट 12, कोट 38, कोट 52, कोट 78 और कोट 60 ऐसे लिख रहा हूं। देखो आप 12 प्लस 78 90 दोनों पूर्व कौन है, और 78 52 प्लस 38 ये दोनों पूर्व कौन है, दोनों का योग 90 है। आप देखते जाओ इधर, कोट 12 को लिख रहा हूं 90 माइनस 78 और कोट 78 में इसके पास लिख रहा हूं, कोट 78 को 38 को लिख रहा हूं मैं 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 और कोट 52 और ये कोट 60 है जिसको मैं आगे लिख रहा हूं, कोट 60 क्योंकि इन दोनों को मैं लिख रहा हूं पास में और इन दोनों को मैं लिख रहा हूं पास में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोट 90 माइनस थीटा होता है अपने पास टेन थीटा, कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा और कोट 60 बराबर है 1/√3। टेन 60 का मान थ्री होता है और कोट 60 का मान होगा 1/√3। ऐसा हो गया, ये हो गया 1/√3, कोट 90 माइनस थीटा हो गया 10, 78 कोट 78 इंटू कोट 90 माइनस थीटा हो गया 10, 52 इंटू कोट 10 थीटा कोट थीटा गुणनफल होता है 1 या थीटा 78 है और यहाँ थीटा 52 है, तो 1/√3 इंटू 1 इंटू 1 बराबर आ गया अपने पास 1/√3, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कोट 12, कोट 38, कोट 52, कोट 78, कोट 60, तो 12 और 78 दोनों पूर्व कोण है, दोनों कोणों का योग 90 है, 52 और 38 दोनों पूर्व कोण इनका योग 90 है, कोट 60 को मैंने पहले लिखा है, कोट 12 की जगह लिख रहा हूँ 90 माइनस 78, 12 चाहिए तो 90 माइनस 78 और कोट 78 को मैं इसके पास लिख रहा हूँ इंटू कोट 38 को लिख रहा हूँ 90 माइनस 52 और कोट 52, कोट 90 माइनस 10 में चेंज हो गया, कोट 60 का मान 1/√3, 10 78 कोट चेंज हो गया 10 78 में और ये कोट 78 है, कोट 90 माइनस 52 चेंज हो गया 10 52 में, कोट 52 10 थीटा कोट थीटा का मान रहता है 1, तो इसका मान आ गया 1, इसका मान भी आ गया 1, 1/√3 टू 1 टू 1 1/√3 ये आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 6, 0 से 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपदों में व्यक्त कीजिए, 81 90 बराबर आ जाएगा 81 प्लस 9 71 प्लस 19 ये हो जाएगा 90, ठीक है। साइन 81 क्यों लिख रहा हूं मैं, 90 माइनस 9 प्लस साइन 71 को लिख रहा हूं 90 माइनस 19, साइन 90 माइनस 9 कोस थीटा बराबर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा,
इसलिए कर देते साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा मान देगा तो यह आ जाएगा कॉस 90 डिग्री कॉस 19 डिग्री। ये आपके चीज बदल 81 प्लस 9 90 हो गया। एक होता ये भी एक पूर्व कोण है, एक होता प्लस 19 90 हो गया। 81 को लिखा है मैंने 90 माइनस 9 और एक उत्तर को लिखा है 90 माइनस 19 कॉस थीटा बराबर आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ गया कॉस 9 कॉस 19 ये ऊपर में टेन 68 और सेक 68 उसको हल करना है। देखो 68 प्लस 22 ये दोनों एक दूसरे के न्यून कौन है देखो आप 90 डिग्री हुआ। देखो ये आ गया टेन 90 माइनस 22 प्लस सेक 90 माइनस 22 टेन 90 माइनस थीटा बराबर है कोट थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर है ये हो गया टेन कोट 22 प्लस सेक चेंज हो गया कोसेक में कोसेक 22 ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये 10 68 सेक 68 68 और 22 हो गए 90 यानी दूसरे पूर्व कोण है ये 10 68 को लिख रहा हूँ मैं 10 90 माइनस 22 सेक 68 को लिख रहा हूँ सेक 90 माइनस 22 10 90 माइनस थीटा कोट में चेंज हो गया सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में 10 कोट 22 में चेंज हो गया 10 90 माइनस 22 कोट 22 में सेक 90 माइनस 22 कोसेक 22 में ये आपकी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न नेक्स्ट।